किसी ना किसी व्यक्ति को हादसे का शिकार बना सकती है। तो इस और नगर निगम को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आप इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। आज हमारे स्कूली वैन चालकों ने एमपीएच स्कूल मीटिंग करी। ये 3-4 दिन से पीड़ित है आवारा पशुओं का, जैसे सांड है और आपके ये गायें हैं, ये इस तरह से घूम रही है। ये आने वाले टाइम में किसी ना किसी व्यक्ति को हादसे का शिकार बना सकती है। तो इस और नगर निगम को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आप जरा सी आउटलाइन गलत हो जाती है टू व्हीलर की, 10 सेकंड में उठा के ले जाते हो। जबकि इस वाले रोड पे, जो ये चौपाटी वाला रोड है, इस पर कौन सा नागरिक कौन सा अधिकारी नहीं आता, सबकी जानकारी में है। और जब हमारे को आधा घंटा मिलता है स्कूल छोड़ने में, तो हमें गायों से बचना पड़ता है। और गायों का झुंड इस तरह से आता है कि अगर उनके लग जाए तो हमें दुख होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। और अगर वो किसी को इंजर्ड कर दे तो ये भी बहुत आने वाले टाइम का ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। तो मेरी नगर निगम को, प्रशासन अधिकारियों को ये निवेदन आग्रह है कि आवारा पशुओं को रोड से दूर किया जाए। जब आज हमारी माँ को हम इतना घर में सुरक्षित रखते हैं, तो गाय जब हमारी माँ है, हम उसका सारा जिंदगी दूध पीते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, तो उसको लोगों को, मालिकों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको घुमाना है तो यार इधर पहाड़ी पास में उधर लेके जाओ। ये मेन रोड पे खुला छोड़ने का और प्रशासन की अनदेखी करने का, और ये आने वाले टाइम में एक बड़े हादसे को न्योता देती है, जो ये गलत है। आज हर घर के अंदर एक अमूल्य शरीर है, अगर उसको इंजर्ड होता है तो ये लाखों रुपए का नुकसान होगा, और कोई मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए प्रशासन से और नगर निगम से और यहाँ की अजमेर शहर की कलेक्टर साहिबा राजा को, हम आम नागरिक का, हम वैन चालकों का ये दर्द है कि हम टाइम पे सुरक्षित बच्चे पहुँचा सके। इसलिए इन आवारा पशुओं को शहर से और मेन रोड से हटाया जाए। पृथ्वीराज सागला, एक वैन चालक।